हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ सीख। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है चिकन को इस तरीके से मैंने जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ, और अभी से अच्छे से वॉश करके इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ठीक है, तो ग्राइंड करने से पहले आपको क्या ग्राइंड करना है मैं आपको बताती हूँ, साथ ही साथ में ग्राइंड करना है। पर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोथमीर मैंने इतना ले ली हूँ, मिर्ची ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जीरा और काली मिर्च। तो जो ये जो है मसाले, इसको पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें चिकन डाल के साथ ही साथ में ग्राइंड करूँगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं जो है एक पैकेट जो है 1 किलो लगभग है, तो एक पैकेट मैं यहाँ पे जो है मीट का मसाला डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे जो है मीट मसाला डालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो जार में मिक्सर के लहसुन डाल दी, मिर्ची डाल दी, कोथमीर डाल दी, अब मैं साथ ही साथ इसमें जीरा और जो काली मिर्च ली थी वो डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं जो है इसमें एक नींबू का रस डाल दूंगी। आपका जो अगर बड़ा नींबू है तो आपको एक नींबू डालना है, अगर छोटा ले रहे हैं तो आपको डेढ़ या दो नींबू लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है हम नींबू का रस डाल देंगे, एक नींबू का रस डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इसमें जो है पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ नींबू का रस डालना है और जो है कोथमीर, मिर्ची, लहसुन, ठीक है, और जीरा और काली मिर्च, और साथ ही साथ नमक और जो है मीट मसाला, इसे डाल के जो है ग्राइंड करना है। यहाँ पे जो मैंने 1 केजी ली हूँ तो चिकन लगभग, तो मैं यहाँ पे एक पैकेट जो है मीट का मसाला डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप चिकन का मसाला भी डाल सकते हैं, पर अक्सर जो है हम लोग मीट मसाला यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नमक डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से इसे ग्राइंड कर लूँगी, और इसमें ज़रा भी पानी नहीं डालना है। ठीक है, ज़रा भी पानी नहीं डालना है। जो मैं अभी थोड़ा सा नमक डालूंगी, और फिर उसके बाद जब ग्राइंड अच्छे से हो जाएगा ना, तो मिक्स करने के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि नमक और तेल डालना है। ठीक है, तो पहले अभी से ग्राइंड कर लेते हैं, और याद से ज़रा भी पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले से ग्राइंड कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से जो है ग्राइंड कर लिए हमने, और थोड़ा चम्मच से चला के थोड़ा आपको अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा चिकन डालना है, फिर इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके चिकन ग्राइंड करके आपको मसाले को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें थोड़ा चिकन डाल लेते हैं। हम चिकन डाल देंगे और ग्राइंड करेंगे। मसाले के साथ में पहले पीस लिए, फिर चिकन जो बाकी बचा था उसको अलग से पीस लिए, और साथ में अभी मिक्स करना है। पूरे जो चिकन था उसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है कीमे की, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और जब ग्राइंड हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, तो नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, और उसे अच्छी तरह जैसे आटा गूंथते उस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और मैं इस तरीके से जो है स्लाइस चीज़ है इस तरीके से इसमें डाल के बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये डीमार्ट से लेकर आए थे, और काफ़ी अच्छे ऑफर में, तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी डीमार्ट की, तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स है, तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगी आप वहाँ से जो है पता कर सकते हैं हम लोगों ने क्या क्या लेकर आए, और काफ़ी ऑफर में लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हम इसमें जो है थोड़ा सा तेल डालेंगे। ठीक है, इसमें तेल डालेंगे। ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से। ठीक है, ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और जैसे आप नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं खाने का, नहीं तो ऑलिव ऑयल रहेगा तो और अच्छी बात है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, तो हम यहाँ पे जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इसका, और इस तरीके से हमने जो है ब्रेड क्रम्स की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको जो है देखना होगा रेसिपी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, और यहाँ तक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेड क्रम जो रेडी हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 3 अंडा ले ली, और इसे फेंट लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के। अगर जैसे कि हम सीख बनाते हैं और थोड़ा सा अंडा बच भी जाता है, तो उसका हम ऑमलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अभी फेंट लेते हैं नमक डाल के। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फेंट लेंगे।
रोटी बनाते मैंने वो ले ली, आप कोई भी मतलब चॉपिंग पैड या किसी भी जिस पे आप पे जमे रखने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्लास्टिक ली हूँ और इस पे भी मैं चिकन जो है चिकन की जो कीमा है उसको इस पे प्रेस करके अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने जो है स्लाइस चीज ले ली हूँ और यहाँ पे अभी हम कीमे की तैयारी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंदाज से इस तरीके से आप इस साइज का ऐसा बॉल ले लें, इसको इस तरीके से ऐसे आपको प्रेस करना है, ठीक है, बहुत इजी है। और आप ये अगर इस तरीके से थैली लेते हैं ना तो आपका जो भी ये चिपकेगा नहीं, थैली से अच्छे से रैप हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि थैली ज़्यादा क्यों यूज़फुल है, ठीक है। ये थैली रहेगी तो आपका जो है कहीं पर भी जैसे आप लकड़ी का या जो भी ले रहे हैं आपको उस पर चिपकेगा नहीं, आपका जो रोल है प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ऐसे करते जाऊंगी और आपके ऊपर साइज आप अपने ऊपर है, ठीक है। अभी मैं बड़ा वाला बना रही हूँ, आपको एक छोटा वाला भी बना के दिखा दूंगी। या तो अपना कैमरा पकड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी मम्मी कैमरा पकड़ रहे हैं, उनको जमता नहीं है। तो अभी भाभी है नहीं, भाभी बाहर गए हैं तो इसके लिए मैं अभी कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो देखूंगी एक ही बताऊंगी आपको। आप साइज अपने ऊपर डिपेंड है, आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे चीज़ ऐसा ले ली मैंने, ठीक, आप चाहे तो हाफ भी ले सकते हैं पर हम लोग एक ही डालते हैं, एक से मुझे ऐसा लगता है अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको हाफ चीज़ लेना है और साइज भी आपके ऊपर है, आपको छोटा करना है बड़ा करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है चीज़ रख दी, ठीक है। अब मैं तो बस यहाँ से ऐसे देख रहे हैं आप, देखो यहाँ पे चिपका नहीं आपका, अगर ये लकड़ी का होता या तो ये चिपक जाता इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे रोल कर लूँगी, देख सकते इस तरीके से मैं ऐसा रोल करते जा रही हूँ। ये मैंने साइज बहुत बड़ा बनाई हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यही साइज का छोटा भी कर सकते हैं, चीज़ भी अच्छी डाल सकते हैं, आधी भी डाल सकते हैं। और मैं जब छोटे साइज में भी बनाती हूँ ना तो भी एक ही चीज़ डालती हूँ, ठीक है। तो उससे और टेस्ट लगता है, छोटा भी रहता है और चीज़ भी एक रहता है, ठीक है। हाफ हाफ भी चीज़ डाल सकते हैं, ये देखें ये आपका, अभी आपको बस प्रॉपर शेप देना है। तो आप ऐसे करेंगे ना तो आपका ये इस तरीके से अभी आपका प्रॉपर शेप आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जैसे आपको चीज़ लग रही है, ठीक है, आप ऐसे तो अंडा लगाएंगे ना इस पे तो नहीं बाहर आएगा, पर फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि थोड़ा सा आपको फिर से चिकन का ऐसा लेना है कीमा और फिर इसको इस तरीके से वापस से आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी चीज़ जैसे आर पार दिख रही है, ट्रांसपेरेंट दिख रही है, तो आप इस तरीके से जो इस तरीके से फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा रेडी हो गया है। हाँ, अब मैं इधर पे आप देख सकते हैं मैंने जो ऑमलेट जो अंडा था मीन्स इसको फेटी थी, अब इसमें डिप कर दूंगी इस तरीके से, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो हमारा चीज़ है बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बाइंडिंग हो जाएगा ये लगाने से, हमारा जो है ब्रेड क्रम्स लगाने से हमारा जो है ये बाइंडिंग हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस तरीके से मैं अभी क्या करूँगी, पूरा बना लूँगी, हाँ, फिर मिलते हैं। और इसको आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं एक महीने तक, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये देखें इस तरीके से जो हमारा रेडी हो गया है, आप साइज़ छोटा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम पूरा बना के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो है छोटे साइज का बनाई हूँ, इसमें भी मैंने एक ही चीज़ डाली हूँ और जो बड़े साइज का है वो भी एक ही चीज़ डाली हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको आधा चीज़ डालना है या पनीर डालना है, आपको जो भी इसमें डालना है आप अपने हिसाब से मेयोनीज जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना के रख ली और इसे हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात कि अगर आपको स्टोर करना है इसको एक महीने के लिए, आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर डब्बे में आपको इसको स्टोर कर सकते हैं, और आपको जब भी चाहिए आप एक दो पहले घंटा निकाल के फिर इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, रमज़ान के लिए ज़्यादा अच्छा है ये रेसिपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे अभी हम फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई। यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन में जो है तेल गरम करने के रख दिए, अब हम शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने सीख बनाया चिकन चीज सीख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं छोटा वाला डालूंगी और एक बड़ा वाला, ठीक है।
अब इसे हम अच्छी तरीके से जो है दोनों साइड से अच्छे से पूरा मतलब चारों साइड से चारों तरफ से जो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह इस तरीके से जो है पका लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। हमारा जो बन के रेडी हो गया है और चलिए अभी इसे कट करके हम देखते हैं और खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान में बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा चीज़ी चिकन है, आप चाहे तो आपके हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।